कृषि कानून के विरोध को लेकर शिवराज सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया और कहा आंदोलन पंजाब के केवल उन्हीं हिस्सों में हो रहा है जहां पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है, कहीं समर्थन तो कहीं विरोध में बयानों की होड़ सिमट गई है। एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आंदोलन है। आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन केवल पंजाब के उन क्षेत्रों से आया है जहां की सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगी हुई है। ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, जिससे यह पता चलता है कि जानबूझकर कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, इसमें बाहरी लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा जो इस आंदोलन को भड़का रहे हैं उन्हें हमें मिलकर रोकना होगा और इसमें जनता साथ दें। सिसोदिया ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जानबूझकर कृषि कानून का विरोध कर रही है। कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए कम होगी, क्योंकि यह कानून किसानों के जीवन में क्रांति लाएगा, इससे किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात को कह चुके हैं कि एमएसपी बंद नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस एमएसपी पर भ्रम फैला रही है। आज हमको इस बात से चौकन्न रहना होगा, सचेत रहना होगा कि जिस तरीके के लोग आकर, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे कहीं के भी हो, अगर आप देखेंगे उठाकर तो एक पंजाब प्रांत का एक क्षेत्र है जिसमें ही सबसे ज्यादा आंदोलन किया जा रहा है और वो आंदोलन का पूरा जो बॉर्डर है, जो उसका एरिया है, वो पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो ये साजिश के तहत इस किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। हम भर्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की, जो इस महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी किसान बिल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया है, उसका विरोध कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।